लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। फांसी के फंदे पर लटका दिए गए निर्भया केस के चारों गुनहगारों के पुतले। निर्भया के चारों दोषियों का नया डेथ वारंट जारी। 20 मार्च को होगी फांसी। निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में चारों दोषियों के खिलाफ दिल्ली कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी कर दिया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रविवार को वाराणसी में गंगा घाट पर निर्भया के चारों दोषियों के पुतलों को फांसी दी गई। निर्भया केस के दोषियों के पुतलों को फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए खास तैयारी की गई। इसके लिए गंगा घाट पर कोर्ट बनाया गया और दोनों पक्षों के नाट्यकर्मी वकील और जज भी बने। नाट्यकर्मी कोर्ट में जजों और वकील एक नाट्यकर्मी बुजुर्ग महिला को निर्भया की मां बनाया गया, जिन्होंने गंगा घाट के किनारे निर्भया के चारों दोषियों के प्रतीक पुतलों को फांसी दी। बता दें कि दिल्ली गैंगरेप पीड़िता निर्भया के गुनहगारों की फांसी की तारीख कई बार टल चुकी है। हालांकि दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया केस के चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी किया है। चारों दोषियों को अब 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे फांसी दी जाएगी। गौरतलब है कि दोषियों के खिलाफ चौथी बार डेथ वारंट जारी किया गया है। इससे पहले कई बार फांसी टलने के साथ निर्भया की मां का सब्र टूट गया है। फांसी की तारीख टलते रहने से नाराज लोगों ने महिला दिवस के मौके पर निर्भया के चारों गुनहगारों के पुतलों को सरेआम प्रतीकात्मक फांसी दी। बुजुर्ग महिला ने निर्भया की मां बनकर दी फांसी। दोषियों के खिलाफ जब चौथी बार डेथ वारंट जारी किया गया तो निर्भया की मां ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि फांसी को पहले ही 3 बार टाला जा चुका है, मैं सिर्फ उनकी फांसी से ही संतुष्ट होंगी। बता दें कि चारों दोषियों विनय, अक्षय, मुकेश और पवन को 3 मार्च को सुबह 6 बजे और इससे पहले 22 जनवरी व 1 फरवरी को फांसी दी जानी थी। कोर्ट ने पिछली बार पवन की दया याचिका पर आदेश आने तक वारंट को टाल दिया था। पवन एकमात्र दोषी था जिसके कानूनी विकल्प बाकी थे।